हेलो, मेरा नाम अंकित साहू है और मैं पाथ IAS एकेडमी में पढ़ता हूँ। पाथ के बारे में मुझे मेरे दोस्तों से जानकारी मिली थी जो पहले से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एक्चुअली IAS या सिविल सर्विसेज में आने का जो मेरा था ऐसे वो 10th क्लास से था। 10th के बाद हमारे कई सारे दोस्तों ने अलग अलग जगह अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, तो सब ने ट्रायल लिया था, सब जगह डेमो जाके। तो हमने यहाँ पर भी अटेंड किया, 2 दिन का था। तो वहाँ पे जब हम लोग आए तो यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा लगा। मतलब जो टीचर थे वो काफ़ी कोऑर्डिनेशन वाले थे, जैसे बात करने से डाउट सॉल्व कर रहे थे। उसके बाद एक जो अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि क्लासेस के बाद जो टीचर है वो यहाँ रुकते हैं आपके लिए। मतलब अगर किसी बच्चे को झिझक है क्लास में, वो डाउट नहीं पूछ सकता, तो वो बाहर में टीचर से डिस्कस कर सकता है। और टीचर काफ़ी अच्छे हैं, मतलब आपको पर्सनली भी वो बताएंगे कि हाँ ऐसा है ऐसा है, यानी आपको डाउट्स नहीं रहने देंगे। सेकेंड चीज़ ये अच्छी बात ये है कि यहाँ पे वीकली टेस्ट होते हैं, यानी आपका जो एक हफ्ते में जो भी हुआ है कंप्लीट उसका एक समराइज टेस्ट होता है, और उस टेस्ट के बेसिस पे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो वो एक तरीके से आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा और ये बताएगा कि कितना नॉलेज आप लोगों ने गेन किया है। तीसरी चीज़ ये कि बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग टाइप की मैगजीन्स दी जाती है। इंग्लिश से रिलेटेड मैगजीन्स मिलती है, करंट अफेयर से रिलेटेड मैगजीन्स मिलती है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। उसमें डाटाज दिए रहते हैं जो कि पढ़ने के लिए अच्छे हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो टीचर्स हैं वो क्लास के दौरान काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट रहता है और हंसी मजाक के साथ पढ़ाई होती है। कभी भी ऐसा आपको स्ट्रेस फील नहीं होगा कि भाई IAS बनना है तो बिल्कुल एकदम 14 घंटे 15 घंटे पढ़ाई करो, आराम से करो, टाइम लेकर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और सही चीज़ पढ़ो। मेन चीज़ ये है। थैंक यू।